हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी बोर्ड क्लासेस में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारा जो सेशन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का चल रहा है। आज जो हमारा जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, और जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथियों के साथ उसको शेयर कर लीजिएगा, और अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन है हमारा पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र से। तो यहाँ पर है हमारा लेंस मेकर सूत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और इस चैप्टर से तीन डेरिवेशन है, और तीन में से एक डेरिवेशन की पूछने की प्रबल संभावना हर बार रहती है। तो पहले हम इसको करेंगे, उसके बाद में हमारे तो जो दो बचे हैं उसको भी करने वाले। अगर हम बात करें तो हमने पहले एक अरेंजमेंट बना रखा है। यहाँ पर एक हमारा पतला लेंस है जिसकी मोटाई टी है, ठीक है। तो पतली लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र है यहाँ पर, इस जिस माध्यम में ये हमारा लेंस रखा है उसका अपवर्तनांक एन है। इसका ध्रुव पहले प्रश्न का जो आपका पोल है ध्रुव है वो पी वन है, दूसरे प्रश्न का जो पोल है जो ध्रुव है वो पी टू है। इसका अपवर्तनांक एन है, लेंस को हमने एल से रिप्रेजेंट किया है। ये हमारी वस्तु रखी हुई है, वस्तु का प्रतिबिंब आई पर बन रहा है। फाइनल पहले हमारा इसका प्रतिबिंब आई डैश पर बनेगा जो हमारा आभासी प्रतिबिंब होगा, और यही आभासी प्रतिबिंब दूसरे वाले प्रश्न के लिए वस्तु का कार्य करेगा। फिर दूसरा वाला प्रश्न क्या करेगा, आई डैश का प्रतिबिंब हमारे कन्वर्स करके कहां बना देगा, वो आई ध्रुव बना देगा। इसको हमको लिखना क्या, आप ऐसे लिखेंगे कि एल, माना एल एक पतला लेंस किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका अपवर्तनांक एन है, इस लेंस की मोटाई टी है, इस लेंस के सामने कोई वस्तु बिंदु ओ पर यू दूरी पर रखी है, लेंस बिंदु ओ का प्रतिबिंब आई डैश पर बनाता है, जो आई डैश आभासी प्रतिबिंब दूसरे लेंस के दूसरे प्रश्न के लिए वस्तु का आभासी वस्तु का कार्य करता है, और लेंस का दूसरा प्रश्न आई डैश का प्रतिबिंब आई पर बनाता है। उसके बाद में हम लिख देंगे अपवर्तन के सूत्र से। तो हम यहां पर लिखेंगे माना एल लेंस किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका अपवर्तनांक एन है, लेंस की मोटाई टी है, लेंस के दोनों पृष्ठों के ध्रुव पी वन व पी टू है, लेंस के सामने बिंदु ओ पर एक वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब आई डैश पर प्राप्त होता है, यह प्रतिबिंब द्वितीय प्रश्न के लिए वस्तु का कार्य करता है, द्वितीय प्रश्न इसका प्रतिबिंब आई पर बनाता है। फिर हम न्यू लाइन से लिख देंगे अपवर्तन के सूत्र से।
अपवर्तन का सूत्र क्या होगा बता सकता है कोई बच्चों? एन अपॉन वी डैश, एन अपॉन वी डैश माइनस एन अपॉन वी डैश माइनस वन अपॉन यू एन माइनस वन अपॉन आर वन। इक्वेशन बंद कर देंगे हम, क्या करेंगे इसको? इक्वेशन बंद कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, दूसरे प्रश्न के लिए निकालेंगे, द्वितीय प्रश्न के लिए के लिए, द्वितीय प्रश्न के लिए क्या होगा? तो द्वितीय प्रश्न के लिए जो आई डैश है वो किसका काम कर रहा है? वस्तु का काम कर रहा है। तो हमारा जो वी डैश होगी वो वस्तु की दूरी होगी। द्वितीय प्रश्न के लिए यहाँ पर वस्तु की दूरी क्या होगी? वस्तु की दूरी क्या होगी? वस्तु की दूरी वी डैश। और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी फिर? बी की दूरी। अगर इतना कर लिया तो आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। आवर्तनांक तो तुम्हें पता है कि क्या है, एन है, और इसकी जो रेडियस है, जो वक्रता त्रिज्या है, वो आपकी आर है। आर टू होगी दूसरे प्रश्न के लिए, पहले प्रश्न के लिए आर वन, दूसरे प्रश्न के लिए आर टू। ठीक है, ये पोल है पी वन और पी टू, और यहीं पर होगा आर वन और आर टू भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग द्वितीय प्रश्न के लिए? अपवर्तन का सूत्र। तो क्या होगा अपवर्तन का सूत्र? एन अपॉन वन अपॉन वन अपॉन बी माइनस एन अपॉन बी डैश इज इक्वल टू वन माइनस एन अपॉन आर टू। अब हमको इसको थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा। इंप्रूव का मतलब ये, इसको इसको हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा, पहले एन लिखना चाहिए फिर वन है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस को कॉमन ले लेंगे। माइनस को हमने कॉमन निकाल लिया तो हमारा जो एन होता है वो प्लस का बन जाएगा और जो वन है वो माइनस का बन जाएगा। तो पहले हम प्लस वाले को लिखते हैं, तो एन जो प्लस का बनेगा उसको पहले लिख दिया, वन माइनस का बनेगा उसको हम बाद में लिखेंगे। अपॉन में आर टू बन गया इक्वेशन टू, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। इक्वेशन वन यहां पर है हमारे पास में, एन अपॉन बी डैश माइनस वन अपॉन यू प्लस, यहाँ प्लस कर लेंगे क्योंकि हमको ये वाला जोड़ना है, वन अपॉन वी माइनस एन अपॉन वी डैश इज इक्वल टू, अब इस वाले को हम ऐड करेंगे एन माइनस वन अपॉन आर वन, फिर प्लस हमको लगाना चाहिए बट यहाँ पर तो माइनस है तो माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा एन माइनस वन अपॉन में आर टू। यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये प्लस का है पूरा, ये माइनस का है, ये बच्चा और ये, और इसमें हमारा b वाला प्लस का तो हम प्लस पहले लिखते हैं, वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू, इसको पहले लिख लेंगे और इसको हमने बाद में लिख लिया। दोनों में कॉमन जो भी होगा उसको हम, जो दोनों में जो सेम होगा उसको हम कॉमन निकाल लेंगे, n माइनस वन दोनों में कॉमन है तो यहाँ पर बचा वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, और ये हमारा लेंस का सूत्र बन रहा है, वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू वन अपॉन, तो एक बार लिखकर दिखा देते हैं, वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू, कुछ इस तरह से होता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह इसको लिख देंगे, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू एन माइनस वन विद इन ब्रैकेट वन अपॉन आर वन अपॉन आर टू। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः यह है, अतः ये लेंस मेकर का सूत्र है, ये लेंस मेकर का सूत्र है। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे, आप कनेक्टेड रहिएगा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पहुंचेंगे।